2023 एंड 2024 में डिफेंस, रेलवेज एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स के स्टॉक्स ने ह्यूज रिटर्न्स दिए हैं एंड नाउ एवरीवन इज वंडरिंग कि नेक्स्ट ईयर कौन से सेक्टर्स ट्रेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे तीन इमर्जिंग सेक्टर्स एंड उनके टॉप स्टॉक्स जो 2025 में लाइमलाइट में रह सकते हैं। फर्स्ट सेक्टर जो काफी फोकस में रहेगा इज डेटा सेंटर्स। इंडिया वर्ल्ड का 20% डेटा जनरेट करता है बट कैपेसिटी की टर्म्स में सिर्फ 3% कंट्री में स्टोर होता है। फिलहाल इंडिया के पास 977 मेगावाट और ऑलमोस्ट 1 गीगावाट की डेटा सेंटर्स कैपेसिटी है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि जस्ट 5-6 इयर्स में ये नंबर 50% प्लस के CAGR के साथ ग्रो करके 17 गीगावाट्स हो जाएगा। सो इसमें मेनली तीन स्टॉक्स है, अनंत राज, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग एंड फेमस अदानी एंटरप्राइजेस जो दिल्ली NCR, पुणे, मुंबई, चेन्नई जैसे अदर सिटीज में डेटा सेंटर्स बिल्ड कर रहे हैं। अनंत राज एंड टेक्नो इलेक्ट्रिक दोनों स्मॉल कैप स्टॉक्स है एंड नेक्स्ट 4-5 इयर्स में ये 250-307 मेगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी टारगेट कर रहे हैं। अदानी इज डेफिनेटली द लार्जेस्ट प्लेयर। इन्होंने एच कनेक्ट के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है एंड उनके 1 गीगावाट कैपेसिटी का एम्बिशियस प्लान है विच हैज रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ ओवर 10,500 करोड़। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव ओरायन प्रो सॉल्यूशंस जो डेटा सेंटर्स की डिजाइन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करता है एंड ऑल्सो सीमेंस एंड ABB इंडिया जो डेटा सेंटर्स के इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर क्रिटिकल पर्पसेस के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मूविंग ऑन, सेकेंड ट्रेंडिंग सेक्टर है वेल्थ मैनेजमेंट। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2028 तक इंडिया में नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच 50% ग्रो करके 19,900 से ज्यादा हो जाएंगे। ये सिमिलर फास्ट ग्रोथ हमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और HNIs में भी देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट 4 इयर्स में इंडिया ग्लोबली 4th लार्जेस्ट प्राइवेट वेल्थ मार्केट बन जाएगा। ऐसे में वी हैव वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स जो इन HNIs एंड अल्ट्रा HNIs को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड वेरियस अदर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। सेक्टर के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक्स है नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट एंड 361 वैम जिसका पहले नेम IIFL वेल्थ हुआ करता था। ये मेनली वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इन्वॉल्व है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में IPOs जैसी फंड रेजिंग एक्टिविटीज आती है एंड एज यू नो विद बैक टू बैक IPOs ये सेगमेंट कितना ज्यादा बूम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू स्टॉक्स वी ऑल्सो हैव आनंद राठी विच लुक्स स्लाइटली एक्सपेंसिव कम्पेयर टू इट्स रेट ऑफ ग्रोथ। ये मेनली म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। इस सेक्टर में टू इमर्जिंग स्मॉल कैप स्टॉक्स भी है, JM फाइनेंशियल एंड वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स। JM फाइनेंशियल क्रेडिट सिंडिकेशन के बिजनेस में भी प्रेजेंट है। क्रेडिट सिंडिकेशन को इजी टर्म्स में समझे तो कई बार ऐसा होता है कि किसी रिस्की प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में बैंक्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सो JM अपने क्लाइंट्स एंड NBFCs को टैप करके हायर इंटरेस्ट रेट पे उस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिलवा देता है। नाउ सो फार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शो सम सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो। ये हमको आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करेगा। फाइनली थर्ड एंड लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक नीश सेगमेंट है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स या फिर PEBs। इन बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन मेनली स्टील से होता है एंड इनकी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होती है। लेटर इस स्ट्रक्चर को क्लाइंट साइट पे इरेक्ट कर दिया जाता है। PEBs की कॉस्ट रेगुलर RCC बिल्डिंग्स से 40-50% लेस होती है एंड इनको सेटअप करने में टाइम भी 40-50% कम लगता है। ये सेगमेंट 10-14% के CAGR से फास्ट ग्रो कर रहा है एंड इसमें टॉप 6 प्लेयर्स 80-85% ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कंट्रोल करते हैं। इस सेक्टर में तीन मेजर लिस्टेड प्लेयर्स है, इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज एंड पेनार इंडस्ट्रीज। अमंग देम इंटरआर्क इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट PEB कंपनी है विद अ कैपेसिटी ऑफ 161,000 मिलियन टन्स पर एनम, while Everest की 72,000 and Pennar की 90,000 MTPA capacity है। Everest Industries ने till date more than 3,000 pre-engineered building design and erect किए हैं and Pennar ने over 1,546 projects deliver किए हैं with famous names like Reliance, Amazon and Tata as their customers। And Interarc की बात करें तो size में बड़ा होने के साथ साथ ये debt free है and fundamentally strong भी है।
इन्होंने बर्जर पेंट्स एंड ग्रासन के पेंट्स बिजनेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए हैं। नाउ आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर 2025 में ट्रेंड कर सकता है। एंड हाँ, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करके रुपीजी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।